हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको मैकेनिकल इंजरी से रिलेटेड मैं आपको इसमें एमसीक्यूज कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा एमसीक्यूज के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ आपको। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं एमसीक्यूज के थ्रू मैं आपको मैकेनिकल इंजरीज पूरा रिवीजन करवाऊंगा। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ आपको। अनअकैडमी में भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नीट पीजी की आपको गाइडेंस देंगे, नीट पीजी की प्रिपरेशन कराएंगे, मेंटर करेंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेंगे। ये स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो आपके जो भी कोई डाउट्स हैं वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आपके कोई क्वेरीज हैं तो लाइव सेशन होते हैं, तो आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंटर्न्स की बात करूँ, तो उनका डेली अलग अलग डेज पे अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहते हैं। तो ऐसे में वो जब चाहें अपना टाइम टेबल यहाँ पे बना के वो हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेज हैं। इन क्विजेज के थ्रू आप जो है अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं हैंड टू हैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वन टू वन इंट्रैक्शन होता है एजुकेटर के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़े आएंगे। इसका मतलब ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1 month, 3 month, 6 month, 12 months और 24 months। अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ, तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं LIVEDRAM, तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ 1 month की, तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 4500 का। अगर आप 3 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद आपको ये पड़ेगा 11250 का। अगर 6 month की बात करूँ तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद LIVEDRAM, मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 18000 का। अगर आप 12 months का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 22500 का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 24 months के लिए मेरा कोड यूज़ करने के बाद LIVEDRAM, ये यूज़ करने के बाद आपको ये पड़ेगा 27000 का। यानी कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड रेफरल कोड यूज़ करके LIVEDRAM, ये यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आए कि यस, आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्कैब और क्रस्ट ऑफ एब्रेजन अपियर्स ब्राउन। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ये 2 से 3 दिन में ब्राउन हो जाता है, तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिविजन करवा देता हूँ। स्कैब ऑफ एब्रेजन टर्न्स ब्राउन इन 2 to 3 days। अगर मैं बात करूं पूरी एक सीक्वेंस की, जो फ्रेश एब्रेशन जो होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। 12 से 24 घंटे में ये जो एब्रेशन का कलर होता है, स्कैब बनने लग जाता है और रेड कलर का होता है। 2 से 3 दिन की अगर मैं बात करूं तो स्कैब जो है रेडिश ब्राउन कलर का टर्न हो जाता है। 4 से 7 दिन में जो स्कैब है वो गिरने लग जाता है, यानी कि एब्रेजन हील होने लग जाता है पेरीफेरी से। एब्रेजन हील्स फ्रॉम पेरीफेरी एंड स्कैब फॉल्स ऑफ। 10 दिन में पूरा ही हील्स हील हो जाता है। तो अगर मैं एब्रेजन की अगर मैं बात करूं, तो जो मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ इंजरी होती है एपिडर्मिस की, इंजरी ऑफ एपिडर्मिस। इंजरी ऑफ एपिडर्मिस। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, इसके टाइप, कि
एब्रेशन के क्या क्या टाइप होते हैं, मैंने आपको जनरली चार टाइप के बताए थे ये। एक मैंने आपको बताया था ग्रेज एब्रेशन, दूसरा मैंने आपको बताया था स्क्रैच एब्रेशन, तीसरा मैंने आपको बताया था प्रेशर एब्रेशन, और चौथा मैंने आपको बताया था इम्प्रिंट एब्रेशन। इम्प्रिंट का ही दूसरा नाम था इम्पैक्ट। तो मैंने चार टाइप के आपको एब्रेशन बताए थे। तो ग्रेज एब्रेशन का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो मैंने आपको था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जब बाइक स्किड कर जाती है तो वो जो फ्रिक्शन की वजह से जो एब्रेशन आता है उसी को ही ग्रेज एब्रेशन बोलते हैं। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से जो फ्रिक्शन की वजह से जो खरोच लगती है। स्क्रैच एब्रेशन मैंने आपको बताया था कोई पिन पॉइंटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे थॉर्न यानी कि कांटा, यानी कि और जो एग्जांपल मैंने आपको जो बताए थे पिन नेल्स, ये सारे इसके एग्जांपल थे। पिन नेल ये सारे इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। प्रेशर एब्रेशन का जो मैंने आपको बताया था जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था जैसे लाइगेचर मार्क जो आता है हैंगिंग में या फिर स्ट्रैंगुलेशन या फिर हैंगिंग या फिर कोई बाइट मार्क, तो वो सब जो है इसके अंदर मेनली प्रेशर की वजह से अगर कोई लाइक जो आता है एब्रेशन उसी को ही प्रेशर एब्रेशन बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे लाइगेचर मार्क। लाइगेचर मार्किंग हैंगिंग। इंपैक्ट एब्रेशन का जो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए टायर कोई बाइक का टायर या फिर कार का टायर या फिर ट्रक का टायर, अगर ऐसे टायर अगर इम्प्रिंट करते हुए जाता है अगर बॉडी के ऊपर से जाता है तो ये बॉडी के ऊपर एक इम्प्रिंट यानी कि अपना एक छाप छोड़ते हुए चला जाता है। तो इसका मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था टायर ऑफ ट्रक, हालांकि ट्रक बहुत भारी होता है लेकिन अगर सपोज करिए कोई ऐसी इंजुरी आती है ट्रक के या फिर कार के टायर से तो वो इम्प्रिंट एब्रेशन का एक एग्जाम्पल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। टेंटेटिव कट इज अ फीचर ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था टेंटेटिव कट को हेजिटेशन कट भी बोलते हैं। हेजिटेशन मार्क, टेंटेटिव कट, ट्रायल या फिर प्रीलिमिनरी वुंड्स आर सीन इन सुसाइडल अटेम्प्ट्स। इसके अंदर क्या होता है, जब इंसान सुसाइड करने जाता है तो अगर मान लीजिए उसके पास कोई चाकू है तो अगर मान लीजिए वो काटने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो वही जो हिचकिचाहट में जो कट लगाता है वो अपने में, तो उसी को ही टेंटेटिव कट या फिर हेजिटेशन कट नाम दिया गया है। तो ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट में जो हेजिटेशन मार्क जो होते हैं स्मॉल मल्टीपल सुपरफिशियल somewhat parallel and skin deep cuts usually found on the anterior surface of the extremities, chest and abdomen. तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो टेंटेटिव कट फॉल फ्रॉम हाइट नहीं, होमिसाइडल असॉल्ट में बिल्कुल नहीं, एक्सीडेंटल इंजुरी नहीं, ये होते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो हो गया डी। टेंटेटिव कट्स इज इंडिकेटिव ऑफ, ये मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में आपको पता चले और आप ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज ना हो। तो होमिसाइडल नहीं होता है, एक्सीडेंटल नहीं होता है, सुसाइडल होता है ये, फॉल फ्रॉम हाइट नहीं होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया सी। तो जैसे मैंने आपको बताया टेंटेटिव कट उस केस में होता है जब इंसान सुसाइड करता है तो उसके अंदर जो हिचक आती है वो जो उस हिचक के दौरान जो अपने में कट जो लगाता है उसी को ही टेंटेटिव कट या फिर हेजिटेशन कट बोला जाता है। इनसिजनल वोन्स ऑन जेनाइटल इज सीन कॉमनली ऑन, अगर मान लीजिए इनसाइज्ड वोन्ड अगर है जेनाइटल्स के ऊपर तो वो किस केस में ज्यादातर आते हैं। तो
ये चीज ज्यादातर होमिसाइड के केस में ज्यादातर देखे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। मैं इनसाइज वुंड्स ऑन नोज, ईयर्स एंड जेनिटल्स आर यूजली होमिसाइडल एंड आर इन्फ्लिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ जेलेसी और रिवेंज इन केस ऑफ अडल्ट्री कॉजिंग डिसफिगरेशन। यानी कि ये जो जेनिटल्स के ऊपर जो इंसाइज वुंड देखे जाते हैं, मान लीजिए कोई चाकू से, अगर धारदार ऑब्जेक्ट से अगर मान लीजिए किसी ने जेनिटल्स के ऊपर प्रहार किया है, तो वो चीज हमेशा होमिसाइडल के केस में ही देखा जाएगा। तो थोड़ा सा सुसाइडल वुंड और होमिसाइडल वुंड के बीच का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। एक्सीडेंटल नहीं होता है, सुसाइडल में नहीं होता है, होमिसाइडल इसका आंसर है, पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट नहीं होगा ये। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैं दोनों के बीच के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स को बता देता हूँ। हेजिटेशन कट, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, हेजिटेशन कट, अन इंटेंशनल कट, ये जो कट्स देखे जाते हैं ये सुसाइडल वुंड्स के अंदर या फिर सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वुंड्स के अंदर देखा जाता है। लेकिन होमिसाइडल केस में वो कोई हेजिटेट नहीं करेगा, वो सीधा जो है इंसाइज कर देगा बॉडी पे। तो इसलिए यहाँ पे कोई हेजिटेशन मार्क या फिर अन इंटेंशनल कट यहाँ पे देखे नहीं जाएंगे। डिसफिगरेशन ऑफ फेस, डिफेंस और प्रोटेक्शन वुंड, यानी कि जब कोई अपने आप के बचाव के लिए अगर कोई वुंड आता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको वीडियो वो एक इमेज के साथ मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई डिफेंस में अगर अपने आप को बचाएगा तो अपना हाथ हमेशा यू करेगा, तो उसके ज़्यादातर यहाँ पे इंजुरीज पाई जाएगी। तो सुसाइड के केस में ऐसा कोई डिफेंसिव वुंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन होमिसाइड के केस में हमेशा होगा, क्योंकि जब सामने से कोई इंसान अटैक करेगा तो इंसान का जो रिफ्लेक्स आएगा वो यही आएगा कि अपने आप को बचाओ। तो इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन वुंड यहाँ पे या फिर डिफेंसिव वुंड यहाँ पे पाया जाएगा। वेपन क्या होगा यहाँ पे, यूजली प्रेजेंट एंड फर्मली ग्रेप्स ड्यू टू कैडेवरिक स्पैजम। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सुसाइड कर रहा होता है तो उस केस में वो इमोशनल फेस से निकलता है या फिर फियर के केस में निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे कैडेवरिक स्पैजम देखा जाता है। तो और लेकिन होमिसाइडल केस में यूजली एबसेंट एंड फ्रेगमेंट ऑफ क्लोथ एंड हेयर एक्सेट्रा मे बी ग्रेप्स इन हैंड। यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई भी कैडेवरिक स्पैजम यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे जनरली बचाव में या फिर जब वो अपने आप को स्ट्रगल कर रहा होता है, वहां से भाग रहा होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसके कपड़े फट सकते हैं, तो या फिर ये भी हो सकता है कि जो अटैक कर रहा होता है उसका कपड़ा वो पकड़ लेता है, तो हाथ में कोई ना कोई अपोजिट पर्सन का कपड़ा या फिर हेयर हैंड में ग्रेस हो जाएगा। सर्कमस्टेंसेस के जो होगा, जो प्लेस जो होगी, जनरली क्वाइट रूम होगा, एग्जाम्पल लॉग बेडरूम और बाथरूम, यूजली इन फ्रंट ऑफ मिरर। यानी कि जब इंसान सुसाइड कर रहा होगा तो एक जो है क्वाइट प्लेस यानी कि शांत रूम होगा, वहीं पे करेगा, सबके सामने वो सुसाइड इतनी आसानी से नहीं कर पाता है। लेकिन होमिसाइडल केस में क्या है, डिसअरेंजमेंट एट सीन, यानी कि यहाँ पे जब क्राइम हो रहा होता है तो हो सकता है वो अपने बचाव में कुछ चीज आर्टिकल गिरी पड़ी हो, बेड के ऊपर मान लीजिए थोड़ा सा खून वून पड़ा हो, तो जो सीन होगा वो थोड़ा सा डिसअरेंज यानी कि बिखरा हुआ सीन यहाँ पे मिलेगा। नंबर क्या आएगा, मल्टीपल सुपरफिशियल पैरेलल एंड मर्ज विद मेन वुड रियली सिंगल। यानी कि इसके अंदर जनरली जो सुपरफिशियल वुंड होंगे सिंगल होंगे, लेकिन होमिसाइडल केस में होगा मल्टीपल क्रॉस ईच अदर एट डेप्थ डीप लेवल नॉट रिपीटेड इन डेप्थ ऑफ मेन वुंड। यानी कि अगर मान लीजिए कोई होमिसाइड करेगा तो हो सकता है वो बार बार स्टैप करे, बार बार इंसाइज करे, तो इसलिए मल्टीपल एंड क्रॉस ईच अदर एट डीप लेवल ये देखा जाएगा। एजेस यहाँ पे कैसे देखे जाएंगे, रेस ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ मल्टीपल सुपरफिशियल इंसिजन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, शार्प एंड क्लियर कट बेवेलिंग में बी सीन। सीवियरिटी यहाँ पे क्या होगी, यूजली लेस सीवियर, वन और रेयरली टू टू थ्री वुंड आर सीवियर। जनरली सुसाइडल केस में एक या फिर दो ही तीन वुंड सीवियर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, मोस्ट वुंड आर मोर सीवियर।
सीवियर होंगे तभी इंसान होमिसाइडल में मरता है, लेस सीवियर होंगे तो वो उल्टा ही अटैक कर देगा जो मारने जा रहा होगा। तो ऑल द टिश्यूज इंक्लूडिंग वर्टिब्रल बोन में भी कट। और अगर इसके डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स की बात करूं मैं तो साइट एंड करेक्टरिस्टिक, मैं अगर यहां पे आपको बता रहा हूं सुसाइडल वुन और होमिसाइडल वुन के बीच का डिफरेंस, तो सुसाइडल वुन और होमिसाइडल वुन के बीच का डिफरेंस मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं साइट की अगर मैं बात करूं तो एक्सेसिबल एंड इलेक्टिव एनाटॉमिकल साइट एग्जाम्पल, यानी कि अगर मैं इस लाइन की मैं मतलब बताऊं तो जनरली अगर मान लीजिए कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो उसका राइट हैंड जहां जहां पहुंच पाएगा जनरली वहीं पे ही सुसाइडल वुंड, सुसाइडल केस में वुंड देखे जाएंगे। लेकिन होमिसाइडल केस में क्या होगा, कहीं पे भी देखा जा सकता है मल्टीपल एंड इन एनी रीजन ऑफ बॉडी बट सीवियर इंजरीज प्रेजेंट ऑन हेड एंड नेक, ये हेड है, हेड एंड नेक। मल्टीपल लीनियर पैरेलल कट्स यहाँ पे देखे जाते हैं लेकिन यहाँ पे चॉप वुंड या फिर स्टैब या फिर लेसरेशन यहाँ पे देखा जाता है। दे आर सुपरफिशियल एट कमेंसमेंट एंड एंड एट डीप, यानी कि स्टार्टिंग में सुपरफिशियल होते हैं बाद में ये डीप होते हैं। लेकिन होमिसाइडल केस में क्या होता है जनरली ये डीप होते हैं और जब वो डीप स्टैब करेगा तभी इंसान जल्दी मरता है और उसके बाद वो एंड में जो होगा वो थोड़ा सुपरफिशियल वुंड वहां पे देखा जाएगा। अगर कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो उसके लेफ्ट में चोट देखी जाएगी, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो उसके राइट में चोट देखी जाएगी। लेकिन होमिसाइडल केस में किसी भी डायरेक्शन में चोट देखी जा सकती है। फेटल इनसाइज्ड वुंड ऑफ आर्म आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सुसाइडल, यानी कि सुसाइडल के केस में ज्यादातर जो शार्प वेपन होता है उससे जनरली कलाई काटी आती, तो इसलिए जो इनसाइज वुंड होते हैं वो ज्यादातर फेटल होते हैं। लेकिन यहां होमिसाइडल केस में चेस्ट वुंड्स आर मोर हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड फ्रॉम बिलो अपवर्ड एंड यूजली प्रेजेंट ओवर वाइडर एरियाज। सुसाइडल वुंड चेस्ट वुंड आर यूजली ऑन लेफ्ट साइड एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने चेस्ट पे अपने आप को स्टैब करके सुसाइड किया है तो जनरली जो चाकू आएगा वो डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। लेकिन होमिसाइड के केस में क्या आएगा, इनसाइज वुंड ऑन बैक और इन सच अ पोजिशन एज कैन नॉट बी इजली रीच इन होमिसाइडल, इनसाइड वुंड ऑन नोज ईयर एंड जेनिटल्स। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको सुसाइडल वुंड और होमिसाइडल वुंड के बीच के डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट मैंने आपको यहां पे बताया। अगर आपको और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए तो इसके रिगार्डिंग मैंने इमेजेस पिछले वीडियोस में मैंने रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैटर्न एब्रेशन इज वैरायटी ऑफ, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो पैटर्न एब्रेशन जो होता है वो जनरली प्रेशर एब्रेशन में देखा जाता है। थोड़ा सा मैं यहां आपको बताया था पैटर्न एब्रेशन, पैटर्न एब्रेशन आर इंपैक्ट और प्रेशर एब्रेशन विच रिप्रोड्यूस द पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट एंड सजेस्ट एन इन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रूमेंट और यूनिक मीन ऑफ इस कॉजेशन, यानी कि इट इज कॉज बाय प्रेशर और इंपैक्ट अप्लाइड एट द राइट एंगल टू द स्किन सर्फेस एंड मे बी एसोसिएटेड विद ब्रूज एंड कंट्यूजन। फॉर एग्जाम्पल पैटर्न ऑफ रेडिएटर ग्रिल हेडलैम्प रिम एंड थ्रेड ऑफ टायर इन मोटर कार एक्सीडेंट, इम्प्रिंट और ऑफ बाइसाइकिल चेन, वीविंग ऑफ कोर्स फैब्रिक, स्पायरल ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, रोप एंड सेरेटेड नाइफ। ये जो प्रेशर एब्रेशन और इम्पैक्ट एब्रेशन है ये दोनों ही प्रेशर जो पैटर्न एब्रेशन है और इम्पैक्ट एब्रेशन दोनों ही प्रेशर एब्रेशन के अंदर आते हैं। इसके जो डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में एक डायग्राम एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको उसमें समझा रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंटीमॉर्टम एब्रेशन कैन बी कंफ्यूज विद, तो एंटीमॉर्टम एब्रेशन को हम किस किस चीज से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो पोस्टमार्टम आंट यानी कि चींटी के काटने से मे प्रोड्यूस लोकलाइज्ड मार्क विच स्टिमुलेट
एंटीमार्टम एब्रेशन, यानी कि एक चींटी के काट लेने से वो एंटीमार्टम एब्रेशन की तरह वो लग सकता है। तो इसके और भी ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग डायग्नोसिस हमारे और क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला है एंट बाइट, यानी चींटी के काटने से। चींटी के काटने से क्या होता है, सुपरफिशियल ब्राउन इरोजन विद इरेगुलर मार्जिन आर मोस्टली सीन एट म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन अबाउट द आईलिड, नोस्ट्रिल, माउथ, ईयर, नकल, एक्जिला, ग्राइन, जेनेटेलिया एंड मॉइस्ट फोल्ड ऑफ स्किन। लेंस एग्जामिनेशन रिवील मल्टीपल क्रेसेंट शेप सैंड लाइक बाइट मार्क, ईच वन इज सेपरेटेड बाई नॉर्मल स्किन। दूसरा है एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन इन नैपकिन एरिया ऑफ इन्फेंट बाई एक्सक्रीटर। तीसरा, हम किससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ड्राइंग ऑफ स्क्रोटल स्किन प्रोड्यूस रेड, ब्राउन और येलो कलरेशन एंड प्रेशर सोर। ये सारे हमारे डिफ्रेंशिएटिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं पोस्टमार्टम एब्रेशन और एंटीमार्टम एब्रेशन के बीच में। चलिए अब थोड़ा ब्रूज के बारे में यानी कंट्यूजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है फॉल्स अबाउट ब्रूज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्रूज जो होते हैं एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड को बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इट इज एन इंजरी ऑफ डर्मिस बाय ब्लंट वेपन, कलेक्शन ऑफ क्लॉटेड ब्लड इसके अंदर देखा जाता है। तो मैं ब्रूज की यहां पे बता देता हूं, यहां पे इंजरी ऑफ डर्मिस बाय ब्लंट वेपन। इससे क्या होगा, कलेक्शन ऑफ क्लॉटेड ब्लड। तो जो नील पड़ जाती है वो चीज मैंने बहुत अच्छे से इमेजेस, काफी क्लियर इमेजेस के थ्रू मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपको इसमें बता रखा है। तो फॉल्स जो इसमें है मच डार्कर एट पॉइंट ऑफ प्रेशर, नहीं, थोड़ा लाइट कलर का होता है। ब्लड इज प्रेजेंट इन वेसल एंड कैन बी इजिली वॉश अप, नहीं। यही तो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर होता है एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम के बीच में। सीन एट या अराउंड ऑफ इंजरी ऑफ एरिया ऑफ द इंजरी, ये सही है। एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड अकर्स, ये सही है। प्रोड्यूस बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट, ये सही है। तो यहाँ पे पूछा गया फॉल्स, तो जो इसके गलत जो आंसर वो है ए और बी, ए एंड बी इसके करेक्ट आंसर हैं। थोड़ा सा ब्रूस के बारे में आपको बता देता हूँ। ब्रूस को कंट्यूजन भी बोला जाता है। इट इज एन इफ्यूजन और एक्स्ट्रा वेस्केशन ऑफ ब्लड इनटू टिश्यूज, यूजली स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैट और इंटरनल ऑर्गन, ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल कॉज बाय ब्लड ट्रॉमा। इट अपियर्स एट एंड अराउंड द साइट ऑफ इंजरी एंड इट इज लाइटर इन कलर कलर इन एरियाज ऑफ कॉन्टेक्ट और प्रेशर। जो पिछले क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट जो था कि डार्क कलर, इसलिए मैंने उसको गलत बोला था, लाइट कलर देखा जाता है। इट इज यूजली टेंडर, स्लाइटली रेस्ड अबव द सर्फेस एंड मार्जिन ऑफ ब्लड। द साइज ऑफ ब्रूज इज स्लाइटली लार्जर देन द सर्फेस ऑफ द एजेंट विच कॉज इट एंड इट्स सेंटर हैज लाइटर कलर एज द एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड कंटिन्यूज टू स्केप आउट वार्ड इन टू द एरिया। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक इमेज के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं, उससे जो ब्लड होता है वो आजू बाजू एरिया में फैल जाता है, उस वजह से जो एरिया होता है वो ब्लूइश टाइप का हो जाता है। सुपरफिशियल ब्रूज अराउंड अपियर इमिडिएटली एज डार्क रेड स्वेलिंग, वेयर एज डीप ब्रूज में टेक अप टू 2 days टू अपियर। सो वन मोर एग्जामिनेशन शुड बी कैरी आउट 48 hours आफ्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन टू नोट ब्रूज ऑफ स्लोअर डेवलपमेंट। ओकेजनली वेन एन इंजुरी इज प्रोड्यूस बिफोर डेथ द कम आउट, यानी कि डिलेड ब्रूज में अपियर सम टाइम आफ्टर डेथ बिकॉज ऑफ फर्दर स्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम रप्चर वेसल ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अंदर मैंने आपको जो है जो मैंने आपको एक्टोपिक ब्रूज इसके अंदर मैंने आपको बताया था।
एक्टोपिक ब्रूज को मैं एक और नाम से जानते हैं, माइग्रेटरी ब्रूज, माइग्रेटरी ब्रूज। इसके लिए मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे, एक था मैंने बताया था रेकून आइस और दूसरा मैंने आपको बताया था बैटल साइन। रेक्यून साइन, इसको हम ब्लैक आई के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है तो जो ब्रूज आएगा वो पेरिऑर्बिटल आएगा। तो जो ब्रूज आएगा वो पेरिऑर्बिटल होगा। तो रैकून आईज आप उससे समझ सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो कुंगफू पांडा एक मूवी है उसके अंदर जो पैंडा का जो गुरु होता है शिफू, उसका जो वो जो जानवर है उसी को ही रैकून बोलते हैं। उस रैकून की खासियत ये होती है उसके जो आईज होते हैं काफी ब्लैक होती हैं, तो इसी वजह से उसको ब्लैक आई का साइन दिया गया है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था बैटल साइन। इसके अंदर अगर मिड क्रेनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर होता है, मिड क्रेनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर होता है तो इसके अंदर मेस्ट्रॉइड मेस्ट्रॉइड टिप के अंदर ब्रूज देखा जाएगा, ब्रूज एट मेस्ट्रॉइड। इसके अंदर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, स्टॉम्पिंग। स्टॉम्पिंग मैंने आपको बताया था किकिंग और जंपिंग अगर एक साथ करते हैं, जंप प्लस किक अगर एक साथ करते हैं तो उसको स्टॉम्पिंग बोला जाता है। तो चलिए एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम कंट्यूजन के बीच के पॉइंट्स को देखते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ कंट्यूजन्स आर, तो इसके अंदर यही पूछा गया है कि दोनों के बीच का फर्क, सॉरी इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग यानी कि पोस्टमार्टम लिविडिटी और कंट्यूजन के बीच में फर्क क्या है। तो जैसे इस टेबल से आप समझ सकते हैं हाइपोस्टेसिस का दूसरा नाम ही पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, इसको ही पोस्टमार्टम लिविडिटी का नाम दिया गया है। तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग का कॉज क्या है, डिस्टेंशन ऑफ वेसल विद ब्लड इन डर्मिस, लेकिन ब्रूज में क्या होता है, रप्चर वेसल्स की वजह से ब्रूज होता है। साइट क्या होता है, एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट, लेकिन ब्रूज क्या होता है, एट एंड अराउंड इंजुरी साइट। यानी कि जो मैंने आपको पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने पिछला जो टॉपिक जो मैंने लिया था चेंजेस आफ्टर डेथ, उसके अंदर मैंने आपको पोस्टमार्टम स्टेनिंग और ब्रूज के बीच का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट उसके अंदर भी बता रखा मैंने, और उसके अंदर मैंने आपको इमेज के थ्रू भी समझा रखा है। तो अगर मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, तो अगर मान लीजिए टेबल पे ऐसे रखी हुई है, तो जो डिपेंडेंट पार्ट है ये और ये ग्रेविटी की मदद से यहां पे पोस्टमार्टम स्टेनिंग देखी जाती है, क्योंकि वहां पे वीनो कैपिलरी डिस्टेंशन देखा जाता है, डिस्टेंशन ऑफ वेसल्स विद ब्लड इन डर्मिस। यहां पे एलिवेशन एंड एपिडर्मिस एब्रेशन, यहां पे एब्सेंट होगा लेकिन यहां पे प्रेजेंट होगा। मार्जिन्स कैसे होंगे, यहां पे डिफाइंड और यूजली हॉरिजॉन्टल, लेकिन ब्रूज के केस में क्या होंगे कि इररेगुलर मार्जिन्स यहां पे देखे जाते हैं। कलर क्या होगा, पोस्टमार्टम स्टेनिंग में जनरली ब्लूइश पर्पल कलर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये जो कलर्स है इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग से क्वेश्चन रखा है और उसके अंदर मैंने डिफरेंट कलर मैंने पूरा समझा रखा है। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो उसका जो निमोनिक दिया था वो मैंने दिया था विबग्योर। इन एरिया अंडर प्रेशर, अगर मान लीजिए प्रेशर देते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एबसेंट होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर का होता है। अगर हम इंसिजन देंगे तो ब्लड इन वेसल्स विच कैन बी ईजली वॉश अवे सबक्यूटिनियस टिश्यू पेल कलर का होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड इन टू सराउंडिंग टिश्यू विच इज फर्मली क्लॉटेड एंड कॉन बी वॉश्ड ईजली सबक्यूटेनियस डीप रेड कलर। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इसमें यही है कि अगर हम थोड़ा सा पानी देते हैं तो जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग है वो ईजली वॉश्ड हो जाएगी।
इजली वॉश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इजली वॉश नहीं होगी। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ कंट्यूजन हमें बताना है, तो इसके क्या क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्लूइश कलर होता है पोस्टमार्टम स्टेनिंग का, डिसअपियर ऑन प्रेशर एरिया ये नहीं होता है, लेकिन मार्जिन्स क्या होंगे, इरेगुलर होंगे, लिमिटेड इन एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट नहीं, एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड अकर। तो कंट्यूजन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, इरेगुलर मार्जिन देखे आते हैं और ये एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड की वजह से होता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है सी एंड ई। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो पिछली वीडियो आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछली वीडियो आप देखिए, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से इमेजेस के दौरान इमेजेस देख के मैंने उसको अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी अ लेसर इंपैक्ट कॉज मैक्सिमम ब्रूज। तो वो कौन से पार्ट है बॉडी के जहां पे थोड़ा सा इंपैक्ट से भी मैक्सिमम ब्रूज देखा जाता है। तो लार्ज एंड इजी ब्रूजिंग किस किस केस में होगा, इन वेस्कुलर एंड लूज पार्ट सच एज फेस, वल्वा एंड स्क्रॉटम, स्लाइटली वॉलियंट कॉज लार्ज ब्रूज। तो अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल लूं तो इसमें फेस भी आता है, इसके ना फेस भी आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो गया ए, फेस। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं, ऑन टिश्यू ओवरलाइंग बोन, क्रोनिक अल्कोहलिक चिल्ड्रन, ओल्ड वुमेन, फैट पीपल के केस में ज्यादा देखा जाता है, और लेसर और लेस ब्रूजिंग किस केस, स्मॉल और लेस ब्रूजिंग किस केस में देखा जाता है, इन स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू कवर्ड बाई थिक डर्मिस सच एज एब्डोमेन, बैक, स्कैल्प, पाम एंड सोल, अ ब्लो ऑफ मॉडरेट वायलेंस मे प्रोड्यूस अ कंपैरेटिवली स्मॉल ब्रूज। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस किस केस में जो है ब्रूज जो है नॉट ईजली विजिबल नहीं होगा, उसका मैंने आपको बताया था थिक जहाँ पे फैट वगैरह पाया जाता है, जैसे एब्डोमेन, स्किन के केस में भी थोड़ा बहुत फैट पाया जाता है, पाम एंड सोल, इन सब केस में विजिबल ईजली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेयरिंग ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इज कॉल्ड एज। जैसे मैंने आपको बताया था कि लेसरेशन के अंदर क्या होता है, आर स्प्लिट्स और टीयर ऑफ द स्किन म्यूकोसा एंड अंडरलाइंग टिश्यूज प्रोड्यूस्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स टू ब्रॉड ऑफ बॉडी। यानी कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर हम फोर्सफुली अगर हम स्किन पे मारते हैं तो स्किन वो फट जाती है, तो उसी को ही लेसरेशन या फिर टीयर का नाम दिया गया है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इफ अंडरलाइन टिश्यू इज रिजिड स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल स्कल, लेसरेशन अकर इजली एंड स्टिमुलेट इनसाइज वुंड, वेयरएज व्हेन अंडरलाइन टिश्यू इज फ्लेक्सिबल, एग्जाम्पल चीक, एब्डोमेन, लेसरेशन अकर्स लेस रैपिडली एंड इज जैग्ड एंड इरेगुलर, एज आर्स रेज इरेगुलर एंड ब्रूज्ड, मार्जिन्स आर कॉमन, एब्रॉडेड एंड डीपर टिश्यू आर अनइवनली डिवाइडेड एंड क्रस्ट। इसके अंदर हेयर फॉलिकल भी क्रश हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी क्रश हो जाते हैं, सो दैट एक्सटर्नल हेमरेज इज नॉट प्रोनाउंस्ड। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो हैमर्स प्रोड्यूस क्रिसेंटिक लेसरेशन, ब्लंट पॉइंटेड मेटल रॉड, अ सैटेलाइट लेसरेशन, अ थिक एंड लीनियर लेसरेशन, ये सारे चीजें इसके एग्जांपल्स के तौर में आप ले सकते हैं। मैंने जो आपको पिछला जो वीडियो में मैंने जो आपको इमेज दिखाई थी उसके अंदर साफ ये पता चलता था कि अगर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर सर पे मारा जाता है या कहीं पे मारा जाता है फोर्सफुली तो वो एरिया फट जाता है। इसके अंदर जो मेन जो लाइन है वो ये है कि इंजरी जो है एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तीनों को इन्वॉल्व करती है। तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने पिछली वीडियो में लिखवाई थी वो ये थी, इंजरी
टू एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सब क्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू या फिर कॉज्ड बाई हैवी ब्लंट वेपन। मार्जिन्स इरेगुलर हो जाएंगे अगर हम मैग्नीफाइंग लेंस से अगर हम देखते हैं तो टिश्यू क्रश दिखेगा और हेयर फॉलिकल भी क्रश हमें दिखाई देंगे। इसके मैंने आपको टाइप बताए थे स्प्लिट लेसरेशन का टाइप, मैंने आपको बताया था इमेजेस के साथ स्ट्रेच लेसरेशन इसका एक एग्जांपल होता है, अवर्जन होता है और टीयर भी होता है। तो ये सारी चीजें आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो आप देखिए, उसके अंदर मैंने इमेजेस के थ्रू मैंने उसके अंदर मैंने समझा रखा है। फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ रिवीजन कराऊंगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो टीयरिंग ऑफ स्किन एंड सब क्यूटेनियस टिश्यू इज कॉल्ड लेसरेशन। तो बी हो गया इसका आंसर। इन अ लेसरेटेड वुंड द हेयर बल्ब इज, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हेयर बल्ब होगा वो क्रस्ड हो जाता है। कट किस केस में होगा? वो होगा आपका इंसाइज्ड वुंड में। तो इसलिए इंसाइज्ड यहां पे पूछा गया लेसरेटेड वुंड, इसलिए कट इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्रश। तो बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेसरेटेड वुंड अपियर एज इनसाइड वुंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट? तो यहां पे देखते हैं कि कौन कौन सी साइट पे अगर ब्लंट हैवी ऑब्जेक्ट अगर हम मारते हैं तो इनसाइड वुंड की तरह लगेगा। ब्लंट फोर्स ऑन एरिया वेयर द स्किन इज क्लोज टू बोन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू आर स्कैंटी मे प्रोड्यूस अ वुंड विच लुक्स लाइक इनसाइज्ड वुंड। तो अगर मान लीजिए कोई चीज अगर बोन के पास अगर है, जैसे स्कल है या टीबिया में जो एंटीरियर पार्ट है, ये सारी जो एरिया हैं, अगर यहाँ पे अगर फोर्सफुली अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारेंगे तो वो एक इनसाइज वुंड की तरह लगेगा। तो क्या क्या साइट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्कैल्प, फोरहेड, क्योंकि ये पूरा हड्डी होती है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट लगेगा तो ये पूरा इनसाइज वुंड की तरह लगेगा। आईब्रोज, क्योंकि पेरी ऑर्बिटल एरिया पूरा बोन से कवर्ड रहता है। चीक बोन, लोअर जो, जॉज, इलियक क्रेस्ट, पेरिनियम और शिन, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो पूरे बोन के ही ऊपर स्किन होती है, तो इसलिए यहाँ पे अगर मारेंगे तो ये पूरा का पूरा इंसाइज वुन की तरह लगेगा, लेकिन ये होता है एग्जाम्पल लेसरेशन के अंदर एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज ट्रू अबाउट स्टैब वुंड? तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टैब वुंड की डेप्थ ज्यादा होती है ब्रेथ से। तो इंजरी कॉज बाय पॉइंटेड वेपन एंड इट्स डेप्थ इज मोर देन लेंथ एंड ब्रेथ। अगर मान लीजिए किचन के नाइफ यानी कि घर में जो चाकू होता है अगर उससे कोई स्टैब करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डेप्थ होगी वो ज्यादा होगी लेंथ ऑफ ब्रेथ से। तो ब्रेथ इज मैक्सिमम नहीं, लेंथ इज मैक्सिमम नहीं, इट हैज वुंड ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं, वो जो है पेनिट्रेटिंग वुंड का एग्जाम्पल में देखा जाता है। तो ट्रू पूछा गया स्टैब वुंड में, तो मैक्सिमम जो देखी जाती है होती डेप्थ। तो सी हो गया इसका आंसर। स्टैब वुंड दो टाइप के मैंने आपको बताए थे, पेनिट्रेटिंग वुंड और परफोरेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग जो सिर्फ पेनिट्रेट करेगा, लेकिन परफोरेटिंग के अंदर क्या होगा पूरा आर पार चला जाएगा। तो देखते हैं पेनिट्रेटिंग क्या है। व्हेन वेपन एंटर्स अ बॉडी कैविटी सच एज थोरेक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन परफोरेटिंग में क्या होगा? व्हेन वेपन आफ्टर पेनिट्रेटिंग बॉडी टिश्यू कम्स आउट फ्रॉम द अदर साइड मेकिंग एन एग्जिट वुंड, यानी कि एक एग्जिट वुंड भी उसके अंदर देखा जाएगा, लेकिन पेनिट्रेटिंग इंजरी में कोई भी एग्जिट वुंड देखा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लू कलर ऑफ ब्रूज इज ड्यू टू, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रूज के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर देखा जाता है।
तो ब्लू कलर के लिए मैंने जो आपको बताया था कि डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लू कलर देखा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है बी। तो चलिए, जो मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था निमोनिक था विबग्योर, तो चलिए वो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो ब्लूज में जो कलर चेंजेस होते हैं किसकी वजह से होते हैं और कब कब कौन कौन सा कलर देखा जाता है, तो मैंने जो आपको निमोनिक दिया था वो दिया था विबग्योर, वी आई से मैंने आपको बताया था ब्लू, बी से मैंने आपको बताया था ब्राउन, जी से मैंने आपको बताया था ग्रीन, वाई से मैंने आपको बताया था येल्लो, और ओ आर से मैंने बताया था ओरिजिनल कलर, और इसके ऊपर आता है रेड। तो रेड विबग्योर, इसका मैंने आपको निमोनिक दिया था। तो चलिए यही निमोनिक रिवाइज करते हैं। तो कलर चेंजेस ऑफ ब्लूज टॉपिक है, तो जो फ्रेश जो कलर होता है वो होता है रेड, ये होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। फिर आता है वीआई, ये जो ब्लू कलर जो आता है वो आता है डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से, ये जनरली एक दिन के बाद देखा जाता है। उसके बाद आता है ब्राउन कलर, ये देखा जाता है हीमोसिड्रिन की वजह से, ये जनरली 2 से 4 दिन में देखा जाता है। बी, फिर जी, ये मैं फिर आता है जी, जी से था ग्रीन, ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, हीमोटॉयडिन की वजह से ग्रीन कलर आता है, और जनरली 5 से 7 दिन लगता है इसको ये कलर आने में। फिर आता है येल्लो कलर, येलो कलर होता है बिलीरुबिन की वजह से, ये जनरली 7 से 10 दिन में आता है। और उसके बाद ओ आर से था ओरिजिनल कलर, यानी कि नॉर्मल कलर जो आता है पिगमेंट रिमूव बाय फेगोसाइटोस फेगोसाइट फेगोसाइट होने की वजह से जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, और जनरली 14 से 15 दिन यानी कि 2 वीक का टाइम इसमें लगता है। तो जैसे मैं बार बार कहते आया हूँ, इसके अंदर इमेजेस के द्वारा मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है। एक एक कलर का मैंने वीडियो, एक एक कलर में की पिक मैंने वहां पे आपको दिखाई हुई है। तो दोस्तों ये निमोनिक भूलिएगा नहीं, कलर चेंजेस ऑफ ब्रूज का जो निमोनिक मैंने आपको दिया था रेड विब की ओर, तो रेड होता है फ्रेश कलर, उसके बाद आता है ब्लू कलर, ब्लू कलर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से देखा जाता है, उसको एक दिन लगता है। नेक्स्ट आता है बी, बी से ब्राउन, ब्राउन कलर देखा जाता है हीमोसिड्रिन की वजह से। फिर आता है जी, जी होता है हीमोटॉयडिन की वजह से। फिर आता है येल्लो, येल्लो देखा जाता है बिलीरुबिन की वजह से। और फिर आता है ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर आते आते लगभग 2 वीक का टाइम लग जाता है। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ग्रीनिश कलर, तो जैसे मैंने आपको बताया था रेड विबग्योर, तो जो जी जो मैंने बताया था ग्रीन, तो जो मैंने आपको ग्रीन कलर मैंने आपको बताया था ये आपको बताया था हीमोटॉयडिन की वजह से। तो जो मैंने आपको ग्रीन कलर मैंने आपको बताया था कांगे ग्रीन, यार ग्रीन कलर मैंने आपको बताया था हीमोटॉयडिन की वजह से, तो हीमोसिड्रिन नहीं, बिलीरुबिन नहीं, बिलीवर्डिन नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हीमो हीमोटॉयडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कलर ऑफ ब्रूज, यहां पर पूछा गया नॉट ट्रू। तो जैसे आपको बताया था कि 1 हफ्ते के बाद 7 से 12 दिन बाद, 7 से 12 दिन बाद ब्लू येलो कलर आता है, ना कि ग्रीन कलर जो कि बिलीरुबिन की वजह से आता है, तो ग्रीन कलर नहीं आता, ये आता है येलो कलर जो कि बिलीरुबिन की वजह से दिखाया जाता था। तो फोर्थ डे ब्राउन कलर सही है, फर्स्ट डे पे रेड कलर देखा जाता है, 2 वीक यानी कि 14 से 15 दिन में एकदम ओरिजिनल कलर आ जाता है। तो यहां पे पूछा गया नॉट ट्रू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो दोस्तों रेड विब ग्योर
मत भूलिएगा, इससे हमारे काफी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पोस्टमार्टम वुंड बेस्ट डिफर फ्रॉम द एंटीमार्टम वुंड्स बाय, तो इसके बारे में हम डिफरेंशिएटिंग फीचर देख लेते हैं। जो पोस्टमार्टम वुंड होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट फ्रेबल क्लॉट ऑफ चिकन फैट, यानी कि येलो कलर का थोड़ा सा दिखाई देता है, और करंट जेली अपीयरेंस इज फाउंड इन पोस्टमार्टम वुंड एंड इन एंटीमार्टम वुंड इज फर्म रबरी एंड वेजिटेटेड इन अपीयरेंस। यानी कि अगर मैं पोस्टमार्टम वुंड की बात करूं तो थोड़ा सा येलोइश कलर का वो देखा जाता है। तो चलिए दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हम देख लेते हैं कि अगर हेमरेज अगर होता है तो एंटीमार्टम वुंड जो होगा उसके अंदर आर्टीरियल थोड़ा सा ब्लड क्लॉट देखा जाएगा, क्लॉट जो होगा लेमिनेटेड रहेगा, फर्मली एडहेयर टू द लाइनिंग ऑफ द एंडोथीलियम, फर्म रबरी और वेरीगेटेड रहेगा। लेकिन पोस्टमार्टम क्या होगा, ज्यादातर वीनस ब्लड के थ्रू दिखाता है, और जो ब्लड होगा ब्लड यूजली नॉट क्लॉटेड, एंड इफ क्लॉटेड इट इज नॉन लेमिनेटेड, वीकली अडेयर टू द लाइनिंग ऑफ द एंडोथीलियम, सॉफ्ट फ्राइबल चिकन फैट, यानी कि थोड़ा सा येलो कलर का उसका अपीरियंस देखा जाएगा, डीप स्टेनिंग ऑफ एच विच कांट बी वॉश्ड अवे, लेकिन ये जो है आसानी से वॉश्ड हो जाएगा। वुंड जो होंगे उसके अंदर गैपिंग देखी जाएगी, थोड़ा सा इवर्टेड थोड़ा सा स्वेलिंग देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो एज होंगे वो अपोज होंगे और स्वेलिंग यहाँ पे देखी नहीं जाएगी। वाइटल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्फेक्शन देखा जाएगा, इन्फ्लेमेशन देखा जाएगा, और हीलिंग का प्रोसेस यहाँ पे प्रेजेंट होगी, क्योंकि जब इंसान जिंदा होगा उसी जिंदा इंसान में ही इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन और हीलिंग की प्रोसेस देखी जा सकती है। लेकिन पोस्टमार्टम वुंड यानी कि एक बार इंसान मर गया तो उसके अंदर देखा नहीं जाएगा। यहाँ पे एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री अगर जो होगी वो वाइटल रिएक्शंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखी जा सकती है वाइटल रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हमेशा एब्सेंट देखी जाएगी क्योंकि यहाँ पे इंसान मर चुका है। वुन सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि जब चोट लगती है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो इस वजह से सेरोटोनिन और हिस्टामिन का कंटेंट यहाँ पे देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखा नहीं जाएगा। माइक्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूं तो क्लॉट के अंदर प्लेटलेट्स देखे जाएंगे, ल्यूकोसाइट, आरबीसी, ये सब देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंस इंसान मर गया है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी प्लेटलेट या फिर आरबीसी ये सब इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे देखा नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पोस्टमार्टम वुंड बेस्ट डिफर फ्रॉम द एंटीमार्टम वुंड, तो इसके जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि एब्सेंस ऑफ एरिडिमा एंड सेलुलर चेंजेस, यानी कि पोस्टमार्टम वुंड के अंदर एरिडिमा और सेलुलर चेंजेस देखे नहीं जाएंगे, ये सही चीज है पोस्टमार्टम वुंड में। स्टेन्स कैन बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि पोस्टमार्टम वुंड आसानी से वॉश हो जाएगा, लेकिन पोस्टमार्टम वुंड गैप ऑन इंसिजन ये जो है एंटीमार्टम वुंड के अंदर देखा जाता है, और क्लॉट्स वगैरह देखे नहीं जाते हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो है सी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन एंटीमार्टम वुंड एंड पोस्टमार्टम वुंड इन फेवर ऑफ एंटीमार्टम वुंड आर, यानी कि एंटीमार्टम वुंड के बारे में यहां पे पूछा जा रहा है। तो एंटीमार्टम वुंड क्या होता है, गैपिंग देखी जाती है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था गैपिंग, ये रहा यहां पे गैपिंग देखी जाती है, और इसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी देखी जाती है। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है बी एंड सी। तो देखा दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू हमने पूरा पोस्टमार्टम जो हमने मैकेनिकल इंजरी जो चैप्टर है वो हमने बहुत अच्छे से इसको हमने रिवाइज किया। मैं इसके अंदर मैंने आपको एब्रेशन, कंट्यूजन, लेसरेशन, स्टैब वुंड, इंसिजन, इंसाइजनल वुंड, मैंने ये सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूं। एंड करने से पहले डोंट वेट टिल टुमारो, डू इट नाउ, इसका मतलब ये है कि कोई भी काम आप कल के लिए मत छोड़िए,
जो है वो आज ही निपटा लीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। और वैसे भी नीट पीजी जैसा जो बड़ा एग्जाम है, इसके लिए आप कल के ऊपर आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक दिन भी वेस्ट किया तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम आपने वेस्ट किया। तो इसलिए डेली आप अगर पढ़ते हैं 8 से 10 घंटा, तो कोशिश करिए पूरा आप टाइम को यूटिलाइज करिए। कोई भी चीज अगर आप छोड़ते हैं, अगर आप सोचते हैं कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, इसको कल कर लेंगे, इसको परसों कर लेंगे, तो फिर वो उतना अच्छे से वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप आज करते हैं वो टॉपिक, तो उसको आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपने अगर वो शेड्यूल में लिया है तो वो उसको आप आज ही निपटा लीजिए, क्योंकि अगर आप कल लेते हैं तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आप 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, तो उसको आप 4 से 5 घंटा, और 4 से 5 घंटा दो स्लॉट में आप डिवाइड कर लीजिए। पहले स्लॉट में थ्योरी कवर करिए और दूसरे स्लॉट में एमसीक्यूज या फिर टेस्ट को कवर करिए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं 4 से 5 घंटा पढ़ के थ्योरी कवर कर लेता हूँ और जो बाकी का 4 से 5 घंटा जो टेस्ट है वो मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो ऐसी गलती मत करिए। जो आपने पढ़ा है आज, उसी के शाम तक सोने से पहले आप रिवीजन पक्का करिए, जरूर करिए, ताकि वो चीज़ आपके माइंड के अंदर बैठ जाए, उससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इसलिए कहा जाता है कि कल के ऊपर मत छोड़िए, जो है आज करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो एंड करता हूँ। एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अनअकैडमी का जो लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, इससे आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। हमारी वीडियोस को आप लाइक करिए, इस अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और भी ज़्यादा वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियोस को लाइक जरूर करिए। भूलिएगा नहीं, मेरा जो कोड है वो है LIVEDREM। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे 24 मंथ यानी कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं, तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे LIVEDREM, तो आपको इसके ऊपर भी एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और यह आपको पड़ेगा 27,000 का सिर्फ। और अगर मैं 12 मंथ्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 22,500 का, मेरा कोड यूज करने के बाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। हमारा जो चैप्टर है मैकेनिकल इंजरी, वो मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में मैंने इसको कवर कर दिया है, इमेजेस के साथ मैंने कवर किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली 2 वीडियोस को आप जरूर देखिए, इससे आपके पूरा जो मैकेनिकल इंजरी जो चैप्टर है वो आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ, कल मैं आपके सामने एक फिर से नई वीडियोस के लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।